नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है वैशाली पटेल, जो है सीनियर जर्नलिस्ट। 20 सालों से वो मीडिया फील्ड से जुड़ी हुई है। ऐसी वैशाली पटेल, आपको बहुत बहुत विश्व महिला दिन की शुभकामनाएँ, और डी खुशाल भाई ज्वेलर्स की ओर से आपको बहुत ही बढ़िया गिफ्ट आपको दिया जा रहा है, और विश्व महिला दिन की आपको शुभकामना एक्जोटिक परिवार और डी खुशाल भाई की ओर से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। वैशाली जी के बारे में हम जानेंगे आज। वो काफ़ी लोग देख रहे हैं उनको, मतलब एक ऐसी, जब मीडिया फील्ड में कोई महिला हो तो उनको सब जानते ही होते हैं, लेकिन आज हमारे माध्यम से हम और परिचय करवाते हैं। और जैसे हमारा शीर्षक है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, जर्नलिस्ट और महिला, इन दोनों का जो नाता है वो ऐसा है कि महिला अगर जर्नलिस्ट है, वो मीडिया फील्ड से जुड़ी हुई है, तो उनको काफ़ी लोगों के बीच में जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ये सब, मतलब जिस तरह का अनुभव है वो सब आपको शेयर करना है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी आपको कि आप जर्नलिस्ट हुए, आपको ये मीडिया फील्ड में जाने के लिए आपको किसी ने प्रेरणा दी थी, या आप खुद का आपका विचार था कि कैसे आप, मतलब गए आप इस फील्ड में? सबसे पहले तो यामिनी जी, शुक्रिया मुझे एक्जोटिक वेब वर्ल्ड वाइड वेब चैनल पर बुलाने के लिए। जी थैंक यू। मुझे आपने इस स्टेज पे समझा कि आपके चैनल पे मैं आ सकूँ, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहूँगी दर्शकों से कि जब मैं स्कूल में थी तब से मुझे था कि भाई, मतलब आज से 20-25 साल पहले हालांकि इतनी महिलाएं नहीं होती थी जर्नलिज्म के फील्ड में, और सूरत में तो बिल्कुल नहीं। तभी से मुझे ऐसा था कि जर्नलिज्म बहुत थ्रिलिंग होता है, उसमें हर रोज़ कुछ नया होता है। कितना चैलेंजिंग जॉब है कि आपको अभी पता नहीं है कि आधे घंटे बाद मैं कहाँ होंगी, किस चीज़ का रिपोर्टिंग कर रही होंगी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कुछ पता नहीं होता है। तो तभी से मैंने सोचा था कि, और एक इमेज थी कि भाई हाथ में कैमरा होता है, पेन और पैड होता है, माइक होता है, और आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं किसी से भी मिल सकते हो। इस थ्रिल की वजह से मुझे जर्नलिस्ट बनना था। हालाँकि उस समय महिलाएँ लेट नाइट्स तक काम भी नहीं करती थी, मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव जैसे होती है सोसाइटी, वैसा तब भी था। अब तो खैर बहुत ही उसमें सुधार हुआ है। तो उसके बाद मेरी कोई पहचान नहीं थी, मुझे कोई जानता नहीं था, किस तरह अप्रोच किया जाना चाहिए चैनल में या न्यूज़पेपर में मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले कोर्स कर लेती हूँ जी। तो मैंने डिप्लोमा इन जर्नलिज़्म का, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज़्म का यूनिवर्सिटी से कोर्स किया। उसके बाद प्राइवेट जॉब्स बहुत सारी की, जर्नलिज्म में मुझे ब्रेक भी नहीं मिला था तब। उसके बाद मैंने मास्टर्स भी किया साथ में जर्नलिज्म में, और मुझे चैनल सूरत में पहला ब्रेक मिला। उससे पहले मैं न्यूज़पेपर्स नव गुजरात टाइम्स और ऐसे 2-3 न्यूज़पेपर्स में सप्लीमेंट्री एडिशन जिसे कहते हैं पूर्ति, उसमें मैं बच्चों की सप्लीमेंट्स, महिलाओं के सप्लीमेंट्स, ये लिखने का मेरा काम शुरू हो चुका था जी। उसके बाद मुझे सबसे पहला ब्रेक मिला चैनल सूरत में जी। चैनल सूरत में काम किया 5-6 साल। उसके बाद गुजरात मित्र न्यूज़पेपर में मैंने 8 साल काम किया, और उसके बाद अब गुजरात गार्डियन में पूरे 9 साल से हूँ जी। जी जी। लेकिन जो जर्नी रही गुजरात गार्डियन में, आप कितने साल से है? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। लेकिन उसके पहले की जो जर्नी की हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि मैं इतनी जगहों पर काम किया, तो आपको वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा सब जगह पे? लेकिन मैं इसलिए इतना भार देके आपको बोल रही हूँ कि एक महिला और जर्नलिस्ट, दो में जो डिफरेंट, कोई मेल जर्नलिस्ट जब बाहर निकल के काम करता है तब बात कुछ और होती है, और एक महिला जब जर्नलिस्ट होती है और बाहर निकलती है काम करती है, आजकल तो सोशल मीडिया से बहुत कुछ पता चल जाता है कि आप क्या काम करते हैं, लेकिन काम के साथ का जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव, कभी बुरा भी होता है कभी अच्छा भी होता है, तो इस माहौल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसा आपने कहा, एक्सपीरियंसेस हमेशा ही मिक्स बैग जैसे होते हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं,
खराब एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कई जो, और लेकिन एक बात तय है कि विमेन, औरतों को अपने आप को प्रूव करना ही पड़ता है. यस yes. आप किसी भी फील्ड में हो, जर्नलिज्म हो या कोई भी फील्ड हो, आपको अपने आप को प्रूव करना ही पड़ता है. जी. थोड़ी आपकी काम करने की स्टाइल का पता चलते ही बाद में आपको सपोर्ट मिलना शुरू ज़रूर होता है, लेकिन इससे पहले आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है. मेरे लाइफ में एक्सपीरियंसेस अच्छे भी रहे हैं, कड़वे भी रहे हैं, हर किसी के लाइफ में होते हैं. इसी तरह चैनल सूरत में मुझे आज भी याद है कि हमारे जो डायरेक्टर हुआ करते थे निखिल मद्रासी, तो तब टेक्सटाइल का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था वीवर्स का, तो उसमें वीवर्स जनरली वहाँ कोई लेडी नहीं होती है और 500,000 लोगों रास्ते पर थे, तो सब लड़कों ने कहा कि वो हम कवर कर लेंगे, लेकिन मेरी स्पीच और उसकी वजह से निखिल भाई चाहते थे कि मैं जाऊं. और लड़कों ने जब कहा कि सर वहाँ कोई भी लेडी नहीं होगी और टेक्सटाइल में सब मजदूर भी होते हैं और कोई कैसा हो कैसा नहीं, भीड़ भाड़ होती है, आंदोलन होता है तो उसमें तूफान धमाल भी हो सकती है, तो तब उन्होंने कहा था, वो शब्द मुझे आज भी याद है कि देखो जर्नलिस्ट जब आप बनते हो तो आप लेडी हो या जेंट्स, दैट डजंट मैटर, आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए. अगर इसमें भी आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि मैं लेडी हूँ तो यहाँ नहीं जा सकती, तो बेटर यू डू द जॉब ऑफ अ टीचर और लाइब्रेरियन, जहाँ आप सेफ है, वो सारी भी रिस्पेक्टेबल जॉब है और विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन जहाँ आप सेफ है और जहाँ शाम ढलते ही आप घर आराम से पहुँच जाए, ऐसी जॉब करें. चैलेंजिंग जॉब करनी है तो चैलेंजेस लेना सीखिए. और उसके बाद मैं वहाँ गई थी, उसके बाद पांच एक ज्वेलरी ज्वेलर की फैमिली के पांच लोगों ने सुसाइड किया था, उसकी अंतिम यात्रा से पूरा मुझे कवर करना था. उसकी अंतिम यात्रा तो कवर की खैर, लेकिन हमारे यहाँ स्मशान में औरतें नहीं जाती, तब मैं स्मशान में भी गई थी, पोस्टमार्टम रूम में भी गई थी और मैंने वहाँ से भी रिपोर्टिंग किया था. मुझे याद है पहली बार मैं स्मशान में गई तो हल्का सा चक्कर आ गया था मुझे, मैंने कभी जलती हुई चिता देखी नहीं थी ज़िंदगी में, तो मुझे हल्का सा चक्कर आ गया था और वहीं सब जो लोग खड़े थे उन्होंने संभाला था मुझे, कहा भी था कि मैडम ये मत आया कीजिए भाई, क्यों आ गई आप यहाँ, और मैंने कहा था कि नहीं नहीं मुझे आना पड़ा. जी जी. उसके बाद एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि सुवाली बीच पर पटेल फैमिली के 9 जवान लड़के डूब गए थे. जी. उसका रिपोर्टिंग मैंने किया था और वो मेरी ज़िंदगी में, मैं कई रातों तक उठ जाती थी आधी रात को नींद में से, इतनी दर्दनाक सीन था वो. मतलब हर घर में एक लाश सिविल में से स्ट्रेचर के ऊपर पूरी खून से लथपथ लाशें आ रही है, अंदर जा रही है, कई घरों में से पूरे फूल और वो उसके साथ लाशें बाहर निकल रही है, हर घर में रोना, हर घर से चित्कार उठ रहे हैं. आज भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मतलब वो 9-9 घर और 9-9 सारे लड़के 20, 22 या 25 साल से कोई बड़ा नहीं था. और उसमें मैंने उन लोगों के, सी बैड एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे थे, वो इस तरह होते हैं कि हम जब इंटरव्यू लेने जाते हैं ना, तो अगर मैं पूरी बम्बैया स्टाइल में बोलूँ ना, तो गंदा है पर धंधा है. हमें पता है कि ये ऐसा स्टेज नहीं है जब आप उसके घर के वालों के सामने माइक रख के पूछो कि भाई आप अपने बच्चे के बारे में बताइए, वो लास्ट में क्या बोल के गया, उस दिन लास्ट में आपने क्या बात की. हमें गालियाँ सुननी पड़ती है कि ऐसे मौके पर भी आप लोग आ जाते हो यार, आपको कुछ सेंस नहीं है. लेकिन हम क्या करें, हमारे दर्शक यानी कि आप लोग, आप लोगों को हर बात जाननी होती है, आप लोगों के दिल में मन में हज़ार सवाल होते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो गए तब क्या बोल के गए थे, वहाँ उन्होंने क्या किया, घर वालों ने क्यों जाने दिया, पूरा घटनाक्रम आपको जानना होता है. और इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम सब चीज़ जानें और इसके लिए हमें गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी ये काम करना पड़ता है. तो वो एक्सपीरियंस, मतलब ज़िंदगी में पहली बार मैंने उस टाइम लोगों की गालियाँ सुनी थी कि भाई क्या आप माइक लेके आते हो. एक वो एक्सपीरियंस, ज़िंदगी में पहली बार मैंने इस तरह वीवर्स में गई, वो एक्सपीरियंस. और फिर ये जो अर्थक्वेक हुआ था सूरत में, कहते हैं ना कि
जिस वक्त मुसीबत हो लोग भागकर अपने घर को जाते हैं, उस वक्त जर्नलिस्ट बाहर निकलता है। जब आपको सेफ फील करना है, सब कुछ छोड़ के आप अपने घर को भागेंगे, उस वक्त पुलिस, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, ये कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिन्हें अपनी सेफ्टी, अपना परिवार, अपने लोग, अपना काम सब छोड़ के लोगों के बीच में निकलना पड़ता है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, और ये सब मैंने कवर किया है। अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, काम देखकर लोगों ने सपोर्ट भी किया है। मुझे याद है कि सूरत में फ्लड्स बहुत आती थी उस टाइम, और फ्लड के टाइम जब मैं रिपोर्टिंग करने निकली थी तो मतलब फ्लड के पानी निकल गए, उसके बाद सूरत में 5-5 फीट कीचड़ भरा था कई जगहों पर। स्लम्स थे, झोंपड़पट्टियाँ थी, उसके अंदर लोग किस तरह किस हाल में है, इसका रिपोर्टिंग करने के लिए हम जाते थे तो हमें डॉक्टर्स और पूरी टीम मना करती थी कि ऐसे कीचड़ में मतलब मरे हुए जानवर होते हैं, चूहे होते हैं, आपको लेप्टोस्पायरोसिस हो जाएगा या कोई और बीमारी हो जाएगी, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, आप मत जाया कीजिए, इतना डेडिकेटेडली काम मत कीजिए। लेकिन एक नई स्टोरी, ह्यूमन टच स्टोरी, जो जिसे देखकर लोगों की आंखों से पानी निकले, ये सब जो मन में हुआ करता था उसकी वजह से हम जाते थे। और उस वक्त डॉक्टर्स ने हमारी जो हेल्प की थी वो मतलब अगर कुछ लग जाता था तो बैंडेज करके देते थे, टैबलेट्स देते थे कि ये ले लीजिए आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, मतलब ऐसे कुछ स्वीट मेमोरीज भी हैं, कुछ कड़वी मेमोरीज भी हैं, कुछ गालियों की मेमोरीज भी हैं। तो मतलब ऐसे कुछ रिपोर्टिंग्स मैंने ऐसे किए हैं जो आज भी लगता है कि दे वर द माइलस्टोन्स ऑफ माय जर्नलिस्टिक करियर। बिल्कुल सही बात है, ऐसी स्टोरी मतलब आपने जिस तरह से स्टोरी की है कि इस तरह के मतलब सूरत में जो भी ऐसी घटनाएं हुए, मे भी काफ़ी समय से मैंने और वैशाली ने साथ में काम किया जी, है बिल्कुल। मतलब जैसे वैशाली एक रिपोर्टर थी, मतलब जर्नलिस्ट थी, और मैं वहाँ पे एक होते के साथ बैठी हुई थी, मुझे पता है कि मैं इन लोगों के पास किस तरह से काम करवा रही थी। मुझे भी ऐसा कई बार ऐसा लगता था कि मैं ऐसी जगहों पे इनको भेजती हूँ जी, तब मुझे भी ऐसा लगता था मतलब जब भूकंप हो, प्लेग हो और ऐसे ही, और कई बार हम ऐसे मतलब फाइट भी हो जाती थी, कहा सुनी हो जाती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना पड़ेगा। मतलब इस तरह से मेरा भी वर्क ऐसा था, मैं 20 साल की बात करें, मैं 25 साल से इस फील्ड में, मीडिया में हूँ, और आज एक चैनल लेके बैठी हूँ, और आज मुझे इतना अच्छा मतलब फील हो रहा है, प्राउड हो रहा है कि मैं ऐसी एक इंसान के साथ बैठी हूँ जो 20 साल पहले मेरे साथ काम करती थी, मेरे साथ थी, मेरी गालियाँ भी सुनी है उसने, मेरी बातें भी है मुझे दी भी होगी, आज ऐसी इसके साथ मैं आज इंटरव्यू कर रही हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लेवल में नहीं देखती हूँ कि कौन किस लेवल पे जाता है, किस लेवल की बात करता है, जैसे उन इसने जो रेल की बात की, फ्लड की जो बात की, उसमें भी मैं भी हम लोग कवरेज देने के चक्कर में मैं भी 7 दिन तक चैनल पे रह गई थी। हाँ। मेरी भी ये स्टोरी है कि 7 दिन तक मैं घर तक नहीं, घर पे नहीं पहुँचती, तब मेरी बेटी छोटी थी और घर से फ़ोन आ रहे कि बेटी, तब मैं फीडिंग करवाई थी बेटी को, और 3 महीने की थी मेरी बेटी तब, जब फ्लड में मैं फंसी थी 7 दिन तक, ये सब लोग फोन कर रहे हैं कि बेटी, 3 दिन तक तो फोन भी चले थे, उसके बाद तो फोन भी बंद हो गए थे। मतलब मैं न्यूज देने के चक्कर में मैं रह गई थी घर पे, मतलब ऑफिस पे, और मेरा स्टाफ भी था बहुत अच्छा, मेरा स्टाफ था, सबको हम लोग खाना वाना भी, एक फर्ज बनता है, हम कोई एक होद्दे पे होते, वहाँ पे भी सूरत चैनल में डायरेक्टर थी, तो एक फ़र्ज बनता है कि भाई मेरे स्टाफ को मुझे खिलाना है पिलाना है, मैं अगर उनसे रिपोर्टिंग करवा रही हूँ, काम करवा रही हूँ, लोग इतने इतने पानी में भी जाके शूट करते थे, तो मेरा भी फ़र्ज बनता है। तो मैं रह गई थी, बट अंदर से एक फील भी था कि मैं मेरी बेटी को छोड़ा है मैंने, घर से फ़ोन आ रहे थे कि अभी आ जाओ, पानी आ गए, इतने तक आ गए, बट मैं नहीं जा पाई थी घर पर 7 दिन तक। वैसा ही मेरी स्टोरी है, मैं चैनल पे ही रही थी बिना नाए। मैंने जो आपको फ्लड की बात की वो 98 की बात थी, जब मैं चैनल सूरत में थी। 2006 का फ्लड, इट वाज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट। हाँ, आप 2006 की बात कर रहे हो, दैट वाज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट फ्लड इन सूरत। और उस टाइम मैं गुजरात मित्र में थी, और मैं 5 दिन के लिए गुजरात मित्र प्रेस पे अटक गई थी, जिस तरह ये अटक गई थी। और गुजरात मित्र लो लेवल में है, चौक में, तो लो लेवल होने की वजह से वहाँ पानी का इतना करंट था कि जो फायर बोट्स, मशीन बोट्स, हाँ, जो फायर बोट्स आ रही थी वो भी खींच कर वापस चली जा रही थी।
तो फायर वालों ने हमें मना कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, पूरी बोट खींच जा रही है, हम नहीं निकल पाए थे वहाँ से। और प्रेस था तो ना कुछ खाना था, जो हमें कुछ देने आ सके वो करंट की वजह से खींच जाता था। तो मुझे पता है सामने एक अपार्टमेंट था, रिद्धि सिद्धि शायद, तो वहाँ वो हाई राइज अपार्टमेंट था, तो वहाँ के लोगों ने कुछ घर में जो मुरमुरे और सेव जो भी था उसे थोड़ा सा मतलब मसाले वाला करके इतना बड़ा पॉलीथीन में भर के रस्सी डाल के लटका के पूरा वो हम पर फेंका था। और हमने पूरा मतलब न्यूज़पेपर थे तो उसे ही बिछा कर उसमें सारे डाल के पागलों की तरह हमने सिर्फ वो मुरमुरे खाए थे, क्योंकि 3 दिन से हम भूखे थे, खाने का कुछ नहीं था। फिर तो पावर कट्स हो गए, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे थे, किसी से बात नहीं हो रही थी, और लगभग 4th दिन कुछ करंट कम हुआ तब हमको फायर की बोट्स ने आकर, और गुजरात मित्र का ग्राउंड फ्लोर डूब गया था और फर्स्ट फ्लोर से हमको बोट ने लिया और उस तरह से हमारा रेस्क्यू हुआ था जी। मतलब ऐसी कई बातें होती है जर्नलिस्ट की, मैंने जिस तरह से बात की कि जर्नलिस्ट और मीडिया फील्ड ऐसा है कि कहाँ कहीं कहाँ क्या करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता है। और जब महिला की बात होती है, जो मेल होते हैं वो तो कुछ भी कहीं भी जाते हैं, रात को 2 बजे भी उनको जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन महिला को जाना होता है तो फर्स्ट पहले तो उनकी घर की परमिशन होनी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। घर वाले भी डरते हैं कि नहीं ये जाए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सब के साथ में वो काम करते हैं। तो एक रिस्पेक्ट होती है जर्नलिस्ट की, जो सही जर्नलिस्ट है उनकी रिस्पेक्ट हमेशा लोग करते ही है और करते रहेंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। वैशाली जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमने आज शेयर किया और बहुत सारी पुरानी बातें पुरानी यादें आज हमने याद कर ली। ये विश्व महिला दिन पे हमने आपको इनवाइट किया तो काफ़ी सारी यादें ताज़ी हो गई। और हम अभी वैशाली जी जो फील्ड में अभी है, मतलब जहाँ पे है वहाँ की बात करते हैं कि वो गुजरात गार्डियन में एज अ सीनियर जर्नलिस्ट काम करती है लास्ट 9 ईयर्स से, साथ में वो कंटेंट राइटर भी है, ब्लॉगर भी है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है और स्पीकर भी है। ये सब उनकी जर्नी लास्ट 9 ईयर की है, इसमें उन्होंने इतना इतना जर्नलिस्ट के अलावा काम कर रही है, तो ये सब आप कैसे मैनेज करती है वो भी बता दीजिए। मैनेज तो खैर एज इट कम्स, आपको अपना वर्क और टाइम डिवाइड करना पड़ता है। मैं गुजरात गार्डियन में और उससे पहले गुजरात मित्र से सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पॉलिटिकल बीट कवर करती हूँ, तो बहुत अनसर्टेनिटी होती है, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है पॉलिटिशियंस की, कभी भी PM आ जाते हैं, CM आ जाते हैं, उनकी सभाओं को कवर करना पड़ता है, तो बहुत शॉर्ट नोटिस पर कभी कभी वो बुला लेते हैं कि आप अभी आ जाओ। तो इन सब के बीच में ये काम करने के लिए लेट नाइट्स करनी पड़ती है, वीकली ऑफ्स को काम करना पड़ता है, क्योंकि आप दिन का आपका जो फील्ड वर्क है उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आपको रात का टाइम फिर उसमें लगाना पड़ता है, मतलब आप थोड़ा स्ट्रेच होना पड़ता है, लेकिन खैर विदाउट स्ट्रेचिंग यू कांट गेट द सक्सेस। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को मैं गेस्ट लेक्चरर के तौर पर लेक्चर्स भी देने जाती हूँ, तो और फिर बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ब्रांडिंग और बिजनेस कम्युनिकेशन, तो इसके ऊपर मैं स्पीचेस देने जाती हूँ, कई संस्थाएं हैं जो बुलाती है प्यार से। चैनल सूरत में थी तब मैं ग्रुप स्टडी एक्सचेंज फॉर प्रोफेशनल के तौर पर रोटरी क्लब के द्वारा UK जग गई थी, वहाँ हर 3 दिन पे आपका सिटी बदल जाता था और हर 3 दिन के बाद आपको नए सिटी में स्पीच देनी पड़ती थी, और वहाँ भी मेरा सब्जेक्ट यही था, वुमेन इन इंडिया। वाह। और इसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशन वहाँ से बनाकर गई थी और वहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशंस के साथ टॉक्स भी दिए थे। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। आप वॉइस ओवर भी करती है, वो भी आपकी आवाज़ इतनी सुंदर है तो आप वॉइस ओवर भी कर रही है कि नहीं, वो तो खैर दर्शक को ज़्यादा पता होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वैशाली जी, बहुत अच्छी बातें आपने शेयर किया आज हमारे साथ, और काफ़ी दर्शक हमारे आज आपको देख के खुश भी हुए होंगे कि वैशाली जी जब बाहर फील्ड में काम करती है तब कैसी है, और आज एक मीडिया के साथ मीडिया ही इंटरव्यू ले रही है उनकी, तब कुछ अच्छा ही माहौल लगा है और अच्छा कुछ फील भी होगा होता होगा आपको। बिल्कुल जी, हम जनरली इंटरव्यू लेते हैं जी, आज पहली बार मैं इंटरव्यू दे रही हूँ।
तो एक अच्छा मतलब फील होता है कि नहीं हम कहीं जगह पे, अभी अभी मेरा भी ऐसा हुआ है कि मैं इंटरव्यू लेती हूँ, अभी मेरा नाम हो गया है, इंटरव्यू क्वीन बोलते हैं सब लोग मुझे, बट अभी अभी एक अवार्ड मिला तो वहाँ राजस्थान के मधुबन रेडियो ने मेरा एक इंटरव्यू लिया, तब मैंने वही बात की कि मीडिया वाले जब मीडिया का इंटरव्यू लेते हैं तब कुछ फीलिंग अलग होती, अलग है कि है, सही बात नहीं है। आज मतलब हमें खुद पे प्राउड होता है कि नहीं आज मैंने भी कुछ किया है तब मेरा इंटरव्यू हुआ है, ऐसा हमें लगता है। वैशाली जी, लास्ट में एक ही बात की हमारी जो वुमेंस है उनका आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वुमेंस डे पे हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है जिस तरह से हमारा शीर्षक है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका संदेश क्या है महिला दिवस पर? देखिए, महिलाओं को कहने वाले तो बहुत ही मिलते हैं, महिलाओं को ही सब कहते हैं जनरली, फिर भी मैं इतना कहूँगी कि अगर आप चाहें तो ज़िंदगी में कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता है। तकलीफ़ें हज़ार होती हैं लेकिन हौसला हो तो आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। मैं महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों से एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं को जनरली पुरुष एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। इन प्रोफेशन महिलाओं की कदर भले करते हो लेकिन फिर भी वो उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कपड़ों से ही किसी का चरित्र तय होता तो कपड़ों की दुकानें मंदिर ना होती। क्या बात, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कपड़ों से किसी का चरित्र तय ना करे, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, वो क्या करने के लिए सक्षम है, वो महिला, उसे एक महिला नहीं एक इंसान की तरह देखे, तब शायद आप उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कर पाएंगे। जी थैंक यू, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही वैशाली जी आपने, और फिर से विश्व महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत सम्मान करती हूँ मैं एक्सोटिक परिवार की ओर से, और ऐसे ही हम दूसरे मतलब कि एक सक्षम महिला, एक सक्सेस स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी और लाइफ जर्नी जो वुमन्स है वो कितनी आगे है आज, वो सब जानने के लिए ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। हम दूसरी ऐसी ही महिलाओं के साथ आपको मुलाकात करवाते रहेंगे, और फिर से एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ मिलते हैं वापस, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।